नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है टुजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स में। मैं विनीत शर्मा आपके प्रश्नों के उत्तरों के साथ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अभिषेक कुमार जी के प्रश्न के साथ। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं कि टाटा टियागो एग्जेड प्लस कैसी रहेगी। तो एग्जेड प्लस अभी नया वेरियंट है टियागो का जो लॉन्च किया टाटा मोटर्स ने, तो सर कैसी रहेगी, किस हिसाब से आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो ये पूरी करेगी सर? तो हाँ, एक बेसिक गाड़ी है, सब कुछ है इसमें, इस बजट के अंदर अच्छी गाड़ी मानी जाती है। आप अगर मुझे ये बता पाएंगे कि आपकी गाड़ी से प्राइमरली क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पावर चाहते हो, क्या माइलेज चाहते हो, मेंटेनेंस वाइज गाड़ी कैसी चाहते हो, लग्जरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंफोटेनमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अगर आप बता पाओगे मैं आपको एग्जैक्ट जवाब दे पाऊंगा कि आपके लिए ये गाड़ी कैसी रहेगी। प्रशांत विचारे साहब ने एक सवाल पूछा है, वो ये है कि डिज़ायर एग्जेड प्लस खरीदे या फिर मारुति की ही सियाज का डेल्टा वेरिएंट। ये दोनों की प्राइस वो कह रहे हैं कि इनके लिए कंपेरेबल है, तो इन दोनों में से कोई पिक कर सकते हैं। तो सर पहले तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर डेफिनेटली कोई कस्टमर चाहे तो एक कॉम्पैक्ट सेडान की जगह वो एक प्रॉपर सेडान यानी कि सियाज पे मूव कर सकता है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या कर सकते हैं, देखिए डेल्टा सियाज के जो मॉडल्स आ रहे हैं उनमें से नीचे से दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी प्रीमियम चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं, बूट ऑफ कोर्स सियाज का बड़ा है 510 लीटर का है, और ABS, EBD, एयरबैग्स, रिवर्स सेंसर्स, ये आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। तो अगर एक गाड़ी के बारे में बात की जाए तो जो बेसिक गाड़ी में चाहिए होता है वो सब कुछ है। आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, टॉप वेरियंट से 1 इंच कम के मिलते हैं, बट वो भी आपको सियाज में मिल जाएंगे, डिज़ायर के बराबर के तो मिल ही जाएंगे। और जो ओवरऑल इंजन है वो जो डिज़ायर में आता है वो 1200 cc वाला इंजन है, ये इसका 1500 करीब 1400 कुछ का पड़ता है, तो 1550 के ऊपर ये 1500 cc करीब का इंजन आपको मिल जाता है जो कि मारुति का नया इंजन है। तो अगर ओवरऑल ड्राइविंग फन के हिसाब से बात करो, इंजन कैपेसिटी पावर टॉर्क के हिसाब से बात करो, बड़ी गाड़ी के बारे में बात करो यार, एक बड़ा फील आता है, तो आपको सियाज पे जाना चाहिए। सियाज इज अ गुड कार, ज़्यादा स्टेबल है डिज़ायर से टॉप स्पीड्स के ऊपर, और मुझे लगता है थोड़ी सी सेफ भी है, बिकॉज थोड़ा सा बिल्ट इसका बेटर लगता है डिज़ायर से। वज़न इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, करीब 1500 केजीज के करीब बैठता है, ग्रॉस वेट 1500 क्रॉस कर जाता है, जो कि डिज़ायर के अंदर अराउंड 1300 को क्रॉस करता है ग्रॉस वेट। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली सियाज पे जा सकते हैं, इनफैक्ट जाना चाहिए। दो नुकसान आपको हो सकते हैं वहाँ पे जाने से, पहला है माइलेज का। हालांकि डिज़ायर में माइलेज कंपनी बोलती है पेट्रोल में 22 का मिलता है और सियाज के अंदर 21 पॉइंट समथिंग का मिलता है, तो न्यूमेरिकली शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन रियल लाइफ कंडीशंस में डिज़ायर बीइंग अ लाइटर कार वो थोड़ा अच्छा माइलेज दे देती है सियाज के कंपैरिजन में। तो माइलेज आपके प्रायोरिटी पे टॉप में टॉप मोस्ट है, टॉप 2-3 के अंदर है, तो आपको डिज़ायर पे जाना चाहिए, नहीं तो आप डेफिनेटली सियाज ले सकते हैं। साथ ही में एक और पॉइंट है रीसेल वैल्यू, तो सियाज के अंदर आपको कम रीसेल वैल्यू मिलेगी, आपकी गाड़ी के प्राइस ज़्यादा टूटेगा। डिज़ायर एक अच्छा हॉट प्रोडक्ट है मारुति का, तो उसके अंदर आपको जो अगर बेचने का मूड है फ्यूचर में तो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगी। इन सब पैरामीटर्स के ऊपर आप अपना डिसीजन लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। दोनों अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर एक सेगमेंट ऊपर की प्रीमियम गाड़ी चलानी है सियाज ड्राइव कीजिए। डेल्टा मॉडल विद रिस्पेक्ट टू डिज़ायर ZXI प्लस मॉडल आप ले सकते हैं सर।